और इस वेले असं फ्लाही साहब के मौजूद हाँ जिससे कि दर्शन तुम्हें करवाने और सतारा सौ 61 के गुरु गोबिंद पातशाह जी इतने पहुंचे सी एक रात ठहरे से अपना नीला घोड़ा इस दे नाल बन्निया सीगा जिस तों बाद की संगत इस दे दर्शन करन वास्ते इसे तरीके दे नाल पहुंचदी है तो संगत जिहड़ी इत्थे भी नतमस्तक होने वास्ते बहुत पहुंचती है वड्डी गिणती दे विच पहुंचती है तो जिहड़ा फलाही साहब इसनूं उसे तरीके दे नाल कायम रख्या होया है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस टाइम असी मौजूद हाँ गुरुद्वारा फलाही साहिब लुधियाने दे विच कुछ इहो जिहे इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब ने जिन्हां दे विच कि गुरु गोबिंद सिंह जी ना जी नाल जिहड़ा इतिहास जुड़िया होया और अगर गलबात की जाती है फलाही साहिब की तो इत्थे भी संगत जिहड़ी नतमस्तक होण वास्ते पहुँचती है तो इहदा इतिहास जिहड़ा तुहानूं जाणू करवाउण लगे हाँ तो इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास कुछ इस तरीके दे नाल है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी जो आनंदपुर साहिब का किला छड के आए सी तां रोपड़ तो जो चल के चमकौर साहिब पहुँचे सी तां उस तो विच जिहड़ा दौरान रस्ते दे विच पैंदे गुरुद्वारा साहिब दे विच इस गुरुद्वारा साहिब दे विच उन्होंने जिहड़ी रात कट्टी सी और अपना घोड़ा जिहड़ा इत्थे फलाही दे नाल बन्निया सी जिथे कि उस इतिहासिक फलाही दे दर्शन करन वास्ते बहुत संगत जिहड़ी है पहुँचदी आ। तुहानूं अज दर्शन करवाउण जा रहे हाँ इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब दे तां इतिहास जिहड़ा अपना बहुत अनमोल है उस दे नाल तुहानूं जोड़न वास्ते असीं बणे होए हां और कई इतिहासिक गुरुद्वारे जिहड़े ने उन्हां दे दर्शन करवाउण वास्ते और इस वेले असीं फलाही साहिब दे विच मौजूद हाँ जिससे कि दर्शन तुहानूं करवाने और कि फलाही साहिब सी जिस दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना घोड़ा बन्निया सीगा जिस दे कारण लंबे अरसे तो इत्थे इतिहास जुड़िया आया तुहानूं दर्शन करवाने। गुरुद्वारा साहिब का जिहड़ा संखेप इतिहास है उत्थे आनंदपुर साहिब का किला छड्डन मगरों सरसा नदी उत्ते जदों परिवार विछोड़े की दर्दनाक घटना वापरी सी तां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रोपड़ तो चल के चमकौर साहिब पहुंचे जिथे मुगलों के टिड्डी दल लश्कर का मुकाबला मुठ्ठी भर सिंघां ने किया दुश्मनों के दंद खट्टे किते इत्थे चल के दशमेश पातशाह ने झाड़ साहिब माछीवाड़ा लल्ला रामपुर कनेच ते आलमगीर आदि पिंडां दे विचों हुंदे होए 11 पोस सम्मत 1761 नूं इत्थे चरण पाए सन। एक रात विश्राम किया जिस फलाही नाल हजूर ने अपना नीला घोड़ा बनिया सी वह फलाही हुण तक उसे तरह कायम है। इत्थे दर्शन करन वास्ते इसे फलाही दे लोग नतमस्तक होने लई पहुँचते हैं। दशमेश गुरु जी ने भाई मान सिंह राही किला रायपुर के सिख सरदारा भाई जट्टू ते भाई सवाई नूं इत्थे हाजिर होने लई सुनेहा भेजा पर वह ना आए। गुरु जी इत्थों चल के पिंड रत्ना चले गए। जदों रायपुर दियां शरधालू माइयां नूं गुरु जी दे हुक्म ना मन्नण दी बेअदबी दा पता लग्या तां ओह पछताताप करन लई ते माफ़ी मंगण लई माई सुलखनी दी अगवाई दे विच दुशाला अते प्रसाद लै के पिंड रत्ना जा पहुंचिया। गुरु जी ने इन्हां दी शरदा तो खुश हो के वरदान दिता सी तुसी राज करोगे सरदारियां कायम होणगियां। इत्थे कई अलौकिक घटनावां वापर चुकियां ने पूरन सरदा सहित कीती हुई हर अरदास इत्थे पूरी हुंदी है। इत्थे नेड़ियों ही उच्चे टिब्बे की खुदाई करदियां पुरातन शस्त्र प्राप्त हुंदे ने इन्हां दे दर्शन भी जिहड़े ने करवाए जांदे ने। हर साल 1719 पो नूं बड़ा भारी दीवान इत्थे सजदा है। हर दसवीं ते हर एतवार नूं संगतां इत्थे इकट्ठियां हो के गुरु जस करदियां ने तां इतिहास है जिथे तुहाडे नाल दर्शन भी तुहानूं नाल दे नाल करवा रहे हैं। जिथे फलाही साहिब दे विच दर्शन करन वास्ते असीं तुहानूं पहुंचे हुए हैं तो इतने तुम देख रहे हो इतने इतिहासिक जिहड़ा है जल भी मौजूद है जिथे कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने नेजे दे नाल इस जल का सोमा जिहड़ा प्रगट किया सी। उस तो बाद संगत जो नतमस्तक होने वास्ते पहुंचती तो इतों जल छक के जरूर जाती है तो तुहानूं दर्शन करवा रहे हैं जिथे कि नेजे दे नाल फुटे हुए सोमे का जल इतने मौजूद है तुहाडे वास्ते। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपना नीला घोड़ा बन्निया सीगा तां इतिहास बहुत वड्डा है जिथे गलबात की जाती है सिख इतिहास की। तो बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब ने इहोजे पंजाब दे विच पंजाब तो बाहर जिन्हां नाल गुरु साहिब दे इतिहास जुड़े हुए ने। तो गुरु गोबिंद पातशाह जी दे जिहड़ा इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब ने जो कि लुधियाने दे नाल स्थित ने जिस दे विच कि आलमगीर साहिब आंदा है मंजी साहिब आंदा और इस तो बाद जिथे फलाई साहिब आंदा है। तो फलाई साहिब दे दर्शन जिहड़े ने अज तुहानू करवाए ने तां संगत जिहड़ी इत्थे वी नतमस्तक होण वास्ते बहुत पहुँचती है वड्डी गिणती दे विच पहुँचती है। तो जिहड़ा फलाही साहिब इस नूं उसे तरीके दे नाल कायम रख्या होया है काफ़ी पुराने जिवें इतिहास की अगर गलबात की जाती है 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।